हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 में क्या आपको TVS राइडर लेना चाहिए और मेरा जो पर्सनल वन ईयर का एक्सपीरियंस है, ओनरशिप रिव्यू भी दूंगा मैं आपको कि क्या ये बाइक आपके लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकता है या नहीं, इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या निगेटिव पॉइंट्स थे इसके जो मेरे को फेस करना पड़ा, जो भी दिक्कतें आई मेरे को, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके लुक की, तो मैंने जो इसको पर्सनली जो मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं कि मैंने इसको क्यों लिया था, तो मैंने इसको लुक की वजह से ही लिया था। और इसमें जो फीचर्स थे, एडवांस फीचर्स काफ़ी, मतलब 125 सेगमेंट में एक एडवांस फीचर के साथ ये मेरे को देखने को मिली थी और नई ही लॉन्च हुई थी, 4-5 महीने हुए थे इसको आए हुए, तभी मैंने इसको मन बना लिया था कि मतलब मैं इसी को ही लूँगा। और क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसमें मेरे को एडवांस देखने को मिले अदर 125 सी सेगमेंट में जितनी भी बाइकें आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको लिया। और क्या क्या इसमें जो फीचर्स वगैरह हैं पहले मैं उसको आपको बता देता हूँ डिटेल में, तो आपको आसानी होगा समझने में और अपना पर्सनल ओपिनियन तो मैं बताऊँगा ही आपको। तो अगर मैं बात करूँ इसके सबसे पहले इसके लुक की, तो लुक आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो डिजिटल मीटर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो डिजिटल मीटर तो यहाँ पर जो नेविगेशन वगैरह वाला तो नहीं है, ये नॉर्मल यहाँ पे डिजिटल मीटर यहाँ पे पूरा देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे गियर और यहाँ पे फ्यूल का और जो स्पीड वगैरह है, बाकी ट्रिप वन ट्रिप टू सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं, RPM वगैरह, और यहाँ पे टाइम भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। और बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे इको और पावर मोड का यहाँ पे हैंडल बार में देखने को मिल जाता है और यहाँ पे किल स्विच नहीं मिलता है, और यहाँ पे लो बीम और हाई बीम और यहाँ पे साइड इंडिकेटर और यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये मैंने डबल हॉर्न यहाँ पे लगवाया था सर्विस सेंटर में जाके, यहाँ पे सिंगल हॉर्न ही यहाँ पे कंपनी के द्वारा मिलता है, मैंने अलग से इसको डबल हॉर्न लगवाया था मैंने एक एक्स्ट्रा करके, तभी इतना तेज़ यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर मैं अदर चीज़ों की बात करूँ यहाँ पर, तो वो था इसका मतलब टायर साइज़ भी, इसमें काफ़ी मोटे टायर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 80/17 का यहाँ पर फ्रंट में ट्यूबलेस टायर यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर 190 अगर मैं यहाँ पे रियर टायर की बात करूँ, तो यहाँ पे 190/17 का यहाँ पे रियर में टायर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मोटे टायर भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं 125 cc सेगमेंट में अदर बाइकों के कॉम्पिटिटर में। तो और उस टाइम इसका प्राइस भी काफ़ी कम था, अगर इस टाइम की प्राइस की बात करूँ जो अभी 2023 में आ रही है, सिंगल सीट भी अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सिंगल सीट वाला वेरियंट, सिंगल डिस्क वाला वेरियंट, ड्रम वाला वेरियंट, बहुत सारे वेरिएंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, फुली डिजिटल में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को अब मिल जाएंगी। और जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो भी काफ़ी हाई प्राइस यहाँ पे चला गया है इसका, जो भी जो अब नई BS6 फेस 2 या फिर BS7 जितनी भी बाइकें आ रही हैं, तो यहाँ पर TVS राइडर की अगर मैं बात करूँ मेनली, तो यहाँ पे TVS राइडर का जो प्राइस है वो भी काफ़ी हाई चला गया है अभी के मुकाबले जो अदर बाइकें आ रही हैं 125 cc सेगमेंट में, जैसे पल्सर आ रही है 125। पल्सर ने इस बार तो मतलब कमाल ही कर दिया है कि मतलब उसने एक तो फ्यूल इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आता था उसमें, उसने FI भी डाल दिया वहाँ पर, और उसने ये भी मतलब उसने सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, कोई भी अगर कोई भी बंदा बाइक लेने के लिए सोचता है तो सबसे पहले प्राइस देखता है, तो यहाँ पे जो पल्सर है उसका जो ऑन रोड प्राइस भी यहाँ पे काफ़ी कम कर दिया गया है, 1 लाख के अंडर में ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर 1,02,000 या 3,000 के ही आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। उसका भी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है 125 cc सेगमेंट का, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आप भी मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं बहुत सारी वीडियो मैंने बाइक से रिलेटेड और 125 cc सेगमेंट में जितनी भी बाइकें हैं मैंने वो सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बात करूँ यहाँ पर TVS राइडर, जो कि काफ़ी यहाँ पर सही ऑप्शन भी हो सकता है, और बाकी इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो किक क्लैश है, बाकी सारी बाइकें जितनी भी आ रही हैं 125 cc सेगमेंट में, होंडा की 125 हो गई, होंडा की SP125 हो गई, या फिर होंडा की शाइन हो गई, हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक हो गया, या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला मॉडल हो गया सुपर स्प्लेंडर, या फिर हीरो की ग्लैमर हो गई, तो ये जितनी भी बाइकें आ रही हैं वो किक के साथ हमें देखने को मिलती हैं, बट ये एक इकलौती बाइक है जो यहाँ पर किक लेस हमें देखने को मिलती है, बट इसका सेल्फ स्टार्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर देता है,
जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैं ये बाइक ऑन है और मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुकी है और इसका आप साउंड भी सुन सकते थे। तो ये मतलब एक साइलेंट स्टार्ट भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इंजन किल स्विच तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे इको और पावर मोड का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इंजन किल स्विच इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि इंजन किल स्विच की जगह यहाँ पे इको और पावर मोड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इंजन किल स्विच की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो यहाँ पे जो इंजन किल स्विच की जगह स्मार्ट इंटेलिको सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो कि जो जो भी बाइक यहाँ पे अगर आप हाईवे वगैरह में फंसे हुए हैं तो 10 सेकंड के बाद ये बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो अगर आपकी बाइक गियर में है तो आप क्लच दबा के नॉर्मली रेस दे के सिंपली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर गियर में नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मली रेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्मार्ट इंटेलिको सिस्टम के आने से ही यहाँ पे इंजन किल स्विच यहाँ पे हटा दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो USB पोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप मोबाइल वगैरह चार्जिंग के लिए भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आजकल तो नॉर्मल सभी गाड़ियों में लगभग ये चार्जिंग वाली सुविधा तो आई गई है USB वाली, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें अदर चीज़ों की बात करूँ मैं इसके इंजन के पावर और टॉर्क की, तो 11.4 न्यूटन BHP की पावर यहाँ पे 8,500 RPM पर और 11.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे 6,000 RPM पर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि पावर और टॉर्क के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। काफ़ी अच्छा पावर और टॉर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है कंपनी के द्वारा। अगर क्योंकि ये बाइक नई लॉन्च हुई थी 2021 के लास्ट में यहाँ पे हमें देखने को मिला था, ये 2021 के लास्ट में, हाँ 2021 के वही अगस्त या सितंबर में ये बाइक आ चुकी थी। तो उसके बाद मैंने 3-4 महीने के बाद मैंने इसको ले लिया था, क्योंकि मेरे को ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक उस टाइम लग रही थी, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में ये पहले आ रही थी और अभी आ रही है जिस प्राइस सेगमेंट में, ये काफ़ी हाई चला गया है उस प्राइस सेगमेंट में। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप TVS राइडर ही लीजिए, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में ये अब आ रही है उस प्राइस सेगमेंट में अगर अदर बाइकों को देखा जाए 125 cc सेगमेंट में जितनी भी बाइक मैंने बताई, तो यहाँ पे पल्सर जो कि स्पोर्टी लुक के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी मतलब एक ब्रांड वैल्यू भी यहाँ पे पहले से ही बन चुका है इस पल्सर का बजाज की, तो उसका सेल और रिसेल वैल्यू भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे TVS राइडर इसका 1 या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद इसका क्या रिज़ल्ट होगा वो तो अभी किसी को पता नहीं है कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या जाएगी, हाई जाएगी या नहीं जाएगी। तो बाकी अभी तो काफ़ी सही चल रहा है मामला। और बाकी इसमें सिंगल डिस्क वाले वेरिएंट यहाँ पे मैंने लिया था और इसमें ड्रम वाला भी देखने को मिल जाएगा, और बाकी सिंगल सीट वाला वेरिएंट भी यहाँ पे आ चुका है, तो वो मैंने वीडियो जल्द मैं अपने चैनल पर लाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जो कि फुली यहाँ पर पूरा सिंगल यहाँ पर सीट देखने को मिल जाएगा। और उसमें भी यहाँ पर सिंपली यहाँ पे कागज़ वगैरह रखने के लिए यहाँ पे गैप देखने को मिल जाएंगे सीट के नीचे, लेकिन उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब एक सीट को मतलब सही से मैनेज करना उसको मतलब ज़्यादा दिक्कत आ सकती है थोड़ा, बट इसमें यहाँ पे काफ़ी इजीली ये लग भी जाता है और खुल भी जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्प्लिट सीट वाले में ये बन चुका है ऑप्शन। और बात करें यहाँ पे जो अदर चीज़ों की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पिछले ब्रेक से मेरे को काफ़ी शिकायत आई थी कि मतलब आवाज़ आ रही थी अलग से ही, तो पता नहीं क्या था वो, मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन मतलब 2-3 बार सर्विस सेंटर पे जाने पे ही मिला था मेरे को, तो यही प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी। और बाकी मैंने मीटर का बता दिया, इसमें मीटर का जो माइलेज और रेंज जो कि कंपनी मतलब बताती है कि ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, बट मिल तो जाती है देखने के लिए बट परफेक्ट नहीं मिल पाता है, तो वही है इसमें एक नेगेटिव पॉइंट। और बात करें यहाँ पे टैंक की, 10 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, तो कैपेसिटी तो काफ़ी सही है यहाँ पे 10 लीटर की, बट यहाँ पे ये फाइबर का हमें देखने को मिलता है, जो कि 125 cc सेगमेंट में जितनी भी बाइकें आ रही हैं जिसका भी मैंने नाम बताया वो सारी मेटल के टैंक के साथ हमें देखने को मिलती हैं, चाहे हीरो की ग्लैमर हो, बजाज की पल्सर हो, चाहे होंडा की SP125 हो, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे मेटल में देखने को मिल जाती है, बट ये इकलौती ऐसी बाइक है जो यहाँ पे फाइबर के टैंक के साथ ही हमें देखने को मिलती है। हाँ अदर बाइकें जो हैं जो और मतलब हाई सीसी सेगमेंट में जो आती हैं उनमें भी फाइबर के टैंक होते हैं, तो यहाँ पे जो टैंक है वो हमें स्पोर्टी लुक में देखने को मिलता है। जितने भी बाइकें आती हैं जो हाई सीसी सेगमेंट में जितनी भी बाइकें होती हैं उनमें लगभग सब में फाइबर का टैंक ही देखने को मिलता है। इसका भी एक रीज़न है, जो फाइबर के टैंक होते हैं वो मतलब
कैसे भी शेप में ढालने के लिए सही होते हैं, जल्दी मतलब शूज शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी कंडीशन में यहाँ पे फाइबर का यूज़ किया जाता है और बाकी सारे पार्ट्स इसमें अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये अलग, ये वाला पार्ट्स अलग है और ये वाला अलग है। तो यहाँ पे अगर बाइक गिरती भी है तो नॉर्मल एक पार्ट टूटता है तो वो अलग से यहाँ पे लग भी जाएगा, काफ़ी कम कॉस्ट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फाइबर के टैंक का ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। बट यहाँ पे हाँ भाई, ये थोड़ा गिरने विरने में थोड़ा जल्दी टूट सकता है, बट यहाँ पे काफ़ी कम कॉस्ट में यहाँ पे ये आप आसानी से बदलवा भी सकते हैं। तो ये फाइबर का टैंक है, बट थोड़ी सी इसमें मेरे को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो लगती है। जो अदर बाइकें आती हैं जितनी भी फाइबर के टैंक के साथ जो आती हैं, उनमें से थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इसमें थोड़ी मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ लग जाती है इसमें जो अदर बाइकें आती हैं। तो कम सीसी की बाइकें जिस प्राइस सेगमेंट में ये आ रही थी उस टाइम, उस प्राइस सेगमेंट में तो ये काफ़ी सही थी। बट अभी जो आ रही है, अगर मैं इसके टॉप मॉडल की बात करूँ जिसमें ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह के साथ जो फुली डिजिटल मीटर वाला जो आया था, तो उसकी मैं अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 120,000 से 122,000 के बीच में चला गया है ऑन रोड प्राइस, जो कि अभी के हिसाब से जितनी भी मैंने बाइकें बताई 125cc सेगमेंट में, जो बजाज की पल्सर थी वो 100,000 के अंडर में या फिर 100,000 से ऊपर 1-2,000 में देखने को मिल जाएगी। तो 125cc सेगमेंट में बाइक वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है। स्पोर्टी लुक के साथ साथ रीसेल और रीसेल वैल्यू भी उसकी ज़्यादा है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी जो अदर बाइकें आ रही हैं हीरो की ग्लैमर, वो भी 110,000 या 111,000 के बीच में, और जो SP125 है वो भी 107,000 से 108,000 के बीच में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो उसके हिसाब से जो इसका स्टैंडर्ड वाला भी, अगर मॉडल की बात करूँ मैं स्टैंडर्ड वाले मॉडल की, तो वो स्टैंडर्ड वाले मॉडल भी 115,800 यहाँ पे, या फिर 115,000, 116,000 या 17,000 जो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर नीचे अलग अलग एरिया के हिसाब से भी डिपेंड करता है, बट मैंने यहाँ पे पता किया था तो वो 115,000 से 16,000 के बीच में, वो जो स्टैंडर्ड वाला मॉडल था सिंगल डिस्क वाला और स्प्लिट सीट वाला, उस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। और जो सिंगल सीट वाले की मैंने, सिंगल सीट वाले का मैंने पता किया था तो उन्होंने बताया था 115,000 के आसपास यहाँ पे सिंगल सीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सिंगल सीट वाला। तो वो भी मेरे को मतलब जिस प्राइस सेगमेंट में ये पहले आ रहा था, अभी सारे प्राइस यहाँ पे बढ़ चुके हैं TVS राइडर, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंपनी ने प्राइस भी यहाँ पे बढ़ा दिया है पर लोगों की पसंद को देखते हुए। तो उससे थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो सकता है मार्केट इसका, बट काफ़ी मतलब सही है 125 सेगमेंट में, और इसकी स्पोर्टी लुक के साथ ही हमें देखने को मिलती है। इसका एग्जॉस्ट साउंड भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इसमें एक प्लस पॉइंट और भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक कागज़ वगैरह रखने के लिए नॉर्मल किसी भी गाड़ियों में ज़्यादा जगह नहीं होता है आजकल, तो इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कागज़ वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पे कागज़ वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे कागज़ वगैरह, टूल वगैरह, और यहाँ पे फर्स्ट एड किट वगैरह यहाँ पे रखने, आराम से आप इसको रख सकते हैं। बट एक स्मार्टफोन रखने की यहाँ पे जगह नहीं है, एक फीचर्स वाला फ़ोन रख सकते हैं बट स्मार्टफोन नहीं रख सकते, क्योंकि उतनी ज़्यादा भी जगह नहीं है इसमें। बाकी ये स्प्लिट सीट के साथ आती है, और जो भी इसमें यहाँ पे स्टिकर वगैरह जो भी इसमें जो लगा हुआ है वो TVS का यहाँ पे लोगों यहाँ पे 3D में देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी यहाँ पे 3D में राइडर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी मैंने टैंक का ऑल ओवर बता ही दिया, 10 लीटर के टैंक के कैपेसिटी के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्रेक लीवर की बात करूँ तो यहाँ पे एल्युमिनियम वाले ब्रेक लीवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं देखने को मिलते, वो काफ़ी यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट प्लस पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। बाकी इंजन काउल भी यहाँ पे, इंजन गार्ड जो आप बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑल ओवर पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट एक किकलेस है ये, और प्राइस भी इसका काफ़ी हाई है, तो किक उस हिसाब से होना चाहिए था जिस प्राइस सेगमेंट में ये आ रही है। वैसे इसमें 1-2 हज़ार का प्राइस का और कम हो सकता था मतलब, तो कंपनी को और कम करना चाहिए था, बट इसने, कंपनी ने यहाँ पे और इंक्रीज़ कर दिया है। बट इसका सेल्फ काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, मेरे को अभी तक कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई है सेल्फ के रिगार्डिंग, तो इसमें मैं कोई मतलब वो नहीं बताना चाहूँगा कि इसका सेल्फ बेकार है या फिर काम नहीं करता है ठंड में, तो वो कोई मेरे को ज़्यादा दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा दिक्कतों का। बाकी इसके कॉम्पिटिटर में मैंने बता दिया, बाकी ये बाइक आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा बड़ा निगेटिव पॉइंट तो नहीं है। इसमें फ्रंट में LED लाइट विद DRL के साथ ही हमें देखने को मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने
इसका जो जितने भी प्लस पॉइंट थे इसके और भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ और भी बाइक आप लेना चाहते हैं तो वो भी मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं आप कि कौन सी बाइक सही रहेगी किस प्राइस सेगमेंट में। तो 125 सेगमेंट में अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो मैंने इसका पूरा डिटेल में प्रोस एंड कॉन्स आपके साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा और जो भी मतलब इसमें मेरे को दिक्कतें आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, काफ़ी मतलब पैसे एक बार तो खर्च होंगे बट बाइक काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप कम पैसे खर्च करना चाहते हैं 1,10,000 के आसपास या 1,00,000 से कम, तो आप पल्सर या फिर और बाइकें जितनी भी होंडा या हीरो की आ रही हैं आप उनके साथ भी जा सकते हैं। बाकी TVS की तो एक इकलौती बाइक 125 सेगमेंट में यही बाइक आई है नई, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसमें सिंगल सीट वाला ऑप्शन आ गया है, वो मैं उसका भी वीडियो डिटेल में जल्द अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि वो भी बाइक अगर लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक प्रॉपर एक अच्छा डिसीजन ले सकें। अगर आप 1,00,000 या 1,00,000 से ऊपर पैसे खर्च करते हैं तो आप वीडियोस वगैरह देख के ही जाइए शोरूम पे, वो काफ़ी मतलब अलग बाइकें भी पकड़ा देते हैं। जैसे मैंने काफ़ी देखा है शोरूम वालों को कि मतलब 1 अप्रैल 2023 से E20 फ्यूल वाली बाइकें तो आई हैं, बट यहाँ पे कितने लोगों को पता नहीं है कि BS7 या फिर BS6 फेज 2 भी आ गया है। तो उस कंडीशन में वो जाते हैं और वहाँ पे शोरूम वालों के द्वारा उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है, प्राइस तो उतना ही लिया जाता है जितना BS7 वाली बाइकों का आ रहा है, बट उनको ये ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है, इस कंडीशन में वो ज़्यादा मतलब कोई कर नहीं पाते हैं। जैसे अभी बाइक जिन्होंने लिया है 2 अप्रैल 2023 में वो E20 वाला ही लीजिए जिसमें E20 फ्लेक्स फ्यूल आ रहा है, ये BS6 फेज 2 या फिर BS7, मैं यही कहना चाहूँगा। 1-2 हज़ार प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, कई जगह तो उसी प्राइस सेगमेंट में ये पुरानी बाइकें भी दे रहे हैं शोरूम वाले। तो काफ़ी सही से ध्यान में रखकर जाइए ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए तभी जाइए बाइक लेने के लिए। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उस बाइक के बारे में पहले से, तभी एक बाइक आप अच्छे से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा होगा। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फ्रेंड्स, और लाइक करिए वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।